मान के चले ना कि मतलब ये अगर 47 कहीं आप मेरे को लिख के दिखा दो भाई साहब लिख के, क्या मैं चला के दिखा देता हूँ? नहीं आप मेरे को बजाज की तरफ से लिख के दिखाने, हम तो बजाज को मानेंगे। मैं बजाज मेरी कंपनी थोड़ी है सर, जो मैं दिखाऊंगा। अरे वो मेरी बेवकूफी है, मेरा तेल जा रहा है, मेरी गाड़ी में दिक्कत हो रही है। आप बजाज की तरफ से कोई अगर आपको रिकमेंड करता है कि नहीं हां जी फास्ट, और वैसे भी तो मैंने आपको बताया इसकी टॉप स्पीड 151 है, मैंने वीडियो दिखाई आपको 151 वाली, तो अभी तो 130 से ऊपर जा ही नहीं रही। फिर अरे 130 आप कौन सी रोड में भगाते हैं? अब आप ये कहोगे हायबुसा दिखा दो यार, वो फर्स्ट गियर में 90 की भाग रही, वो तो 150 जाती है पहले गियर। इश्यू तो है ना कि फर्स्ट गियर पे स्पीड कम हुई है, वो आपका है गियर शॉर्ट हुआ है, आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, ये मेरा प्रॉब्लम कैसे हुआ? आप मुझे ये बताओ ना, अगर मुझे 150 गाड़ी डालनी है तो मैं क्या पहले गियर पे 15 पे उठाऊंगा? यार एक बात बताओ, अगर आप फर्स्ट गियर से 30 की स्पीड में भी लाएंगे तो क्या गाड़ी आपकी नहीं उठेगी? 150 थोड़ी चले जाएगी। क्यों नहीं चले जाएगी? आप फर्स्ट गियर छोटे सर, मेरी पर्सनली बात करा दीजिए तो कह रहा हूँ कैसे हंस रहे हो, मैं बताता हूँ। तो हेलो गाइस, दिस इज़ योर बॉय A3, और कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया हो गया और बढ़िया ही रहना। तो आज संडे है, तो आपने आज व्लॉग देख लिया होगा, 8:30 बजे के टाइम पे आया होगा। तो अगर वो व्लॉग देख लिया तो ठीक है, आज नया व्लॉग शूट हो रहा है क्योंकि मुझे जाना है शोरूम। उन लोग ने बोला था कि आप आ जाइए, क्यों आ जाइए ये भी बताता हूँ। अभी अभी उठा हूँ तो नहा के आया, अभी थोड़ा सा आलसी हो रही है बाहर, जो है ना बहुत हवा चल रही है आज बहुत तेज। लेकिन मैंने गूगल पे चेक कर लिया, वेदर पे बारिश तो नहीं है, तो चलते हैं शोरूम। शोरूम से फ़ोन आया था कि आप आ जाइए, उससे पहले वाले वीडियो पे उन्होंने बोला था कि इंजीनियर आएगा वो चेक करेगा, तो अभी तक कोई इंजीनियर आया नहीं भाई, पता नहीं कहाँ है उनका इंजीनियर। वो बोले थे हमारे बस का नहीं है, वही देखेंगे, लेकिन अब इंजीनियर से बात होगी, कह रहे हैं टायर वायर खोलो देखो ये सब बोले, तो आज जाना है तो फटाफट निकलते हैं और बाकी बातें करेंगे मोटर ब्लॉक पे। और फिलहाल चेक करता हूँ सही आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है भाई, हो रहा है भाई रिकॉर्ड, ये देखो तुम्हारा भाई। तो चलो निकलते हैं सीधे, तो मैं मिलते हैं सीधे मोटर ब्लॉक पे और बाकी बातें वहीं करेंगे। ठीक है चलो। हेलो गाइस, दिस इज़ योर बॉय A3 एंड C3, कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। तो वेलकम बैक टू दिस चैनल A3 की 3। तो आज आपका भाई जा रहा है शोरूम की ओर, जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में सुन ही लिया होगा। तो मैंने पीछे से ब्लॉग शुरू इसलिए नहीं करा क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही थी, मुझे लगा साउंड अच्छा नहीं आएगा। हवा यहाँ भी बराबर चल रही है भाई, लेकिन उतनी तेज़ नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूँ शोरूम, 9:13 हो गए हैं, यानी कि शोरूम खुलने ही वाला होगा शायद, सबसे पहला नंबर मेरा ही होगा, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। आज लेट उठा था ज़रा सा क्योंकि बाहर हवा चल रही है और ठंड का मौसम जैसा हो रखा है, कंबल ओढ़ के पंखा फुल करके सोया था भाई, गॉड आनंद आ गई ही। तो आ गए हैं शोरूम, पीछे कोई नहीं है, फटाफट घुसाते हैं। अभी एक गाड़ी तो आ चुकी है, गुड मॉर्निंग सर, होगी आपकी बात इंजीनियर से? इंजीनियर तुम कहाँ आएगा यार, हैं आपने आपने कहा वो आए कहाँ रहे हैं? 24/8 को मैंने बोला था आ रहे हैं करके, नहीं तो आपसे बात तो हुई है, आपने नहीं बोला आप आ जाओ करके? वैसे ही मैंने बोला था आ जाओ, मतलब देख लेंगे जो जो उन्होंने बताया आपका। आपने 24 की डेट दी थी, 24 को क्या गया था, उसके बाद 25 को आपकी हमारी बात हुई थी। हाँ। मैंने कहा 27 को नहीं आ रहे, 28 को आ रहे हैं। नहीं ऐसा कोई नहीं बताया था आपने, वरना मैं छोड़ूंगा आपको लग रहा है। जा पूछ के, उसके बाद तो हमारी बात ही कहाँ हुई? आप तो कह रहे थे कुछ बदल गए हैं वो, आपने कहा हमारे इंजीनियर बदल गए हैं, नए इंजीनियर आए हैं जैसा। नए आए अब 30 तारीख तक तो थे ना, तभी तो आए थे 28 को। अभी आपने बुलाया तो सही कि हमारे इंजीनियर से बात होगी, आप गाड़ी लेके आ जाओ, उनने बोला है टायर खोल के देखो ये वो। हाँ तो उन्होंने बताया था ना 28 को आए थे, इसलिए कि क्योंकि अब एक आज से दूसरे आ गए जैसे,
इसीलिए आए थे वो मिलने के। तो फिर आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं करा फिर कि आगे हैं? 28 को आया था, आपने फिर काम नहीं होता ना 28 को, जब मैंने आपको बोला कि आ जाओ करके। नहीं 28 का कहाँ बोला था आपने? 28 को मैंने बोला था कि मैंने कभी, उन्होंने कहा भी आप टायर वायर खोल के देख लो, 28 को आ जाओ बोला था ना आपको। नहीं तो अरे सर्वे कैसे भूल जाऊंगा, टायर आपके वहाँ अगर गाड़ी देखो तो वहाँ पे मैं टायर खुलवा लेता। टायर खोल के मैंने कहा उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि 28 को आ जाओ करके, यही तो बोला था। नहीं नहीं रिकॉर्डिंग होगी आपके पास? ना ना रिकॉर्डिंग नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। 24 को आपने बोला था कि वो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि मैं तो आपने कहा था पर्सनली बात करता हूँ। नहीं नहीं शाम को तो मैंने आपको यहाँ फोन करा, आपने बोला मैं पर्सनली बात करता हूँ, फिर आपने कॉल ही कहाँ करा मुझे, आपने कॉल ही नहीं करा। उसके बाद फिर मैंने कंफर्मेशन के लिए आपको दोबारा कॉल करा, आपने उठाया नहीं। फिर एक बार आपने, मैंने शायद पंकज सर को फोन करा था, फिर उनके थ्रू ना गोविंद सर को फोन करा, फिर उनके थ्रू आपसे बात हुई, तो आपने कहा नहीं अभी वो चेंज होने वाले हैं तो अभी नहीं आ रहे हैं, ऐसा बोला आपने। फिर आपने ये बोला कि हमारी पर्सनली बात होगी, आप एक बार आ जाना और एक बार आके हमें दिखा लेना। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। नहीं सर कल कैसे आऊँ, अब मैं इतने दूर से आया हूँ। तो नहीं हुआ ना, अब ये एक्चुअली ऐसा है कि जैसे इसके लिए प्रॉपर एक टाइम चाहिए, मेरे को प्रॉपर एक बंदा आपको देना। आप ज्यादा जानते हैं, आप कह रहे हैं तो ठीक देना पड़ा। और दिन तो छुट्टी भी नहीं है ना फिर, और दिक्कत मेरी भी तो दिक्कत समझो, रश रहता है। अभी अगर हो पाएगा नहीं हो पाएगा फिर मैं कहने या तो आपको अभी दिखा लीजिए ना, वैसे भी छोड़ूंगा अभी तो, फिर तो बात वही है ना। तो मैं वही तो कह रहा ना, फिर भी तो आपने करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, करने पड़ेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, लेकिन ऐसा कि टाइम लग जाएगा तो फिर आप वो चीज़ देख लीजिए। नहीं टाइम तो लगेगा ना, लेकिन अब पहले आया हूँ तो गाड़ी तो लगानी पड़ेगी ना। अभी तो और भी है, एक्सीडेंटल गाड़ियाँ हैं, ये खुली पड़ी हैं, ये तो मेरा नहीं, फिर अब जो आई है वो भी तो करना पड़ेगा ना अपने। अब आपने बोला था आ जाओ, छोड़ दीजिए, अगर ये है कि अगर आप छोड़ दीजिए हो जाएगा। सर लामा चौड़ बहुत दूर होता है यहाँ से, लामा चौड़ कह रहा हूँ, अगर आपको ईजी है तो आप कल ले आओ, आज हमारा कल नहीं हो पाएगा ना सर, कल तो कॉलेज है और दिन संडे, मैं भी संडे फ्री होता हूँ। फिर छोड़े में फिर आप वही करोगे पहले दिन की तरह? काम के लिए मैं अभी आपको अश्योर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना आपका काम जो है ऐसा कोई पर्टिकुलर है नहीं कि भैया ये चीज़ चेंज करनी है, इसमें देखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। टाइम के लिए तो मैं आप 4-5 बार आ गया हूँ आपके पास, टाइम की नहीं, आप हमेशा वही कह रहे हो 4-5 बार आप आए हैं, जिस दिन से मेरी बात हुई है सर्विस इंजीनियर ASM से मेरी बात हुई है, उसके बाद से बात कीजिए ना, उससे पहले का छोड़िए आप। तो उसके बाद भी तो आपने बोला ना कभी भी आ जाओ दिखा लो, कभी भी आ जाओ ना, ठीक है नहीं तो आ तो गया फिर मैं, तो आ गए ना तो ठीक है ना, फिर आप ये फोर्स मत करिए कि मेरी गाड़ी करिए, मेरी गाड़ी करिए करके। नहीं नहीं मेरी गाड़ी नहीं, जिसका नंबर है उसकी करिए, नंबर के हिसाब से भी होगा, लेकिन टाइम अगर लगेगा तो भाई आपको टाइम देना पड़ेगा, ये मैं कह रहा। टाइम तो मैं कितनी बार ही दे चुका हूं, पहले दिन अभी से अगर काम स्टार्ट होगा तो हो सकता है दिन तक हो जाए या शाम तक, अगर काम शुरू हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे बैठने में, बस फिर वो भी देखिए ना आप कि पहले भी तो मैं 2-4 बार आया, 2 बजे तक बैठा, फिर आपने आपका जो है नहीं नहीं ये तो मैं सुबह से आया था। सुनिए सुनिए आप यूट्यूबर है कुछ भी है, लेकिन ऐसा तो पहला गेज देख रहा हूं, पहला कह रहा है कि भैया फर्स्ट गियर में मैं 47 भगाता हूं। आप फर्स्ट गियर फोटो सर यार, वो वहां पे मेरी पर्सनली बात करा दीजिए तो कह रहा हूं, कैसे हंस रहे हो मैं बताता हूं, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। नहीं नहीं आप अपने फोन से बात करवा दीजिए अगर वो हंस रहे हैं तो। आप मुझे ये बताओ ना, अगर मुझे 150 गाड़ी डालनी है तो मैं क्या पहले गियर पे 15 रुपए उठाऊंगा? यार एक बात बताओ, अगर आप फर्स्ट गियर से 30 की स्पीड में भी लाएंगे तो क्या गाड़ी आपकी नहीं उठेगी? 150 थोड़ी चले जाएगी। क्यों नहीं चले जाएगी? 150 बनेगा ही नहीं मौसम 150 का। सर आप तो उसे सिखा रहे जो 5 साल से चला रहा है, तो छलांग लगा के पहले तो चले जाएगा। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल एवरेस्ट और इसमें अंतर है सर, इसे चलाना पड़ता है, एवरेस्ट में चढ़ना पड़ता है, एक ही होता है मेरे भाई, मोटो एक नहीं होता, हर चीज का मोटो कैसे एक हो जाएगा? अगर फर्स्ट गियर में अगर आप ये भैया 45 भगाओगे उसके 47 आपकी फिर 150 पहुंचेगी, वो कोई इशू नहीं है। मैं इसको फर्स्ट गियर में 30 भगा के अगर भैया मेरे को भगाना हो तो मैं इसको 150 भी भगा के दिखा। नहीं उसमें जाएगी नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो? नहीं चलो वो तो छोड़ो, वो तो ठीक हो गया, लेकिन इश्यू तो है ना कि फर्स्ट गियर पे स्पीड कम हुई है, वो आपका है गियर शॉर्ट हुआ है, आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। ये मेरा प्रॉब्लम कैसे हुआ? आपका ही प्रॉब्लम है। आप फर्स्ट गियर में कितना भगाते हो गाड़ी? सर ये स्पोर्ट्स बाइक लिया भगाने के लिए। मेरे भाई डोमिनार है 400 वाले यार, तो ये किस किस लिए लिए फिर भगाने के लिए? तो लिए तो वो भी तो सुनो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा फिर छटा जाएगा ना, पहले गियर में आप 47 भगा दो ना। एक बात ये भी है ना, देखो मतलब प्रॉब्लम तो है ना, अगर 44 आपकी बनाई भी प्रॉब्लम है। इन हाथों से अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली है मैंने, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है। अरे मेरी बनाई हुई कैसे होगी प्रॉब्लम? आपको ओनर्स मैनुअल मिली होगी?
ओनर्स मैनुअल मिली होगी, वो मिली है, वो मिली है, आप उसमें गियर ट्रांसमिशन देखिए। तो मुझे ये बताओ ना फिर, इसमें 47 की पहले गियर पे स्पीड क्यों दी फिर कंपनी ने? वो थी नहीं है, वो आपने भगाई। नहीं दी क्यों, मुझे ये बताओ। आप मेरे को कहीं लिख के दिखा दीजिए कि पहले गियर में 47 दिखाई है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अरे आप अभी अपनी एक गाड़ी निकालो ना यहाँ से, पहले गियर पे 47 जाएगी वो। बजाज कंपनी की तरफ से कोई रिकमेंडेशन अगर आपके पास है कि फर्स्ट गियर में 47, रिकमेंडेशन वाली बात नहीं है, रिकमेंडेशन वाली बात नहीं, पहले गियर पे 47 जा रही है लेकिन स्पीड घट के 44 आ गई, तो प्रॉब्लम तो हुई ना। मेरे मालिक आप ये बताओ ना कि आप मेरे को बजाज से लिखा हुआ कुछ दिखा दो कि फर्स्ट गियर में भी 47 भागेगी। बोलो लिखा हुआ क्या, गाड़ी भाग रही, आप दूसरी गाड़ी भगा लो ना कोई। वो हम क्यों भगाएं ना, वो चीज हम नहीं भगा सकते। प्रॉब्लम है तो भगाना पड़ेगा ना। प्रॉब्लम तो आपकी क्रिएट की हुई है ना, फर्स्ट गियर में 47 मेरे को आप कहीं दिखा दो। हाँ दिखा दो तो कह रहा हूँ, आपके पास कोई आरएस पड़ी है तो चलो अभी दिखा देते हैं। दिखाने से मतलब थोड़ी है, अब आप ये कहोगे हायबुशा दिखा दो यार, वो फर्स्ट गियर में 90 की भाग रही। वो तो 150 जाती है पहले गियर। कोई बात नहीं जाए ना, वो इशू नहीं है। एक पैर में नहीं होगा कैसे चल जाएगा आदमी? यहाँ पे कोई ग्रांड प्री वाला कोई ग्राउंड है ना, आप किसी उस पर्टिकुलर चीज के लिए जा रहे हैं या उस चीज के लिए आपने बना रखी गाड़ी? ग्राउंड वाली बात नहीं है, हम तो कहीं भी भगा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप भगाइए, आपको कोई मना नहीं कर रहा, तो फिर वही तो नहीं हो रहा ना। आज की तरफ से कुछ ऐसा अरे वो मेरे ऊपर है, मैं भगाऊ नहीं भगाऊ, वो सेफ्टी मेरी है, मेरे हाथ पैर टूटेंगे वो मेरा इश्यू है। वो आपका क्रिएट की है ना, आपकी नहीं, नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, गाड़ी अगर पहले, वो इश्यू आपका है, बजाज का नहीं है। पहले गियर पे 47 जाती है, अगर स्पीड कम होगी, चलो अभी तो मैं 44 कर रहा हूँ स्पीड, इसकी कम घट के 20 हो जाती फिर पहले गियर पे, इसका मान सकते हैं। और टोटल अगर अगर टोटल 100 से ऊपर ही ना जाए फिर वो फिर ऐसा ना, वो एक प्रॉब्लम होगी कि हाँ भैया 100 से ऊपर क्यों नहीं भाग रही कोई भी गाड़ी, लेकिन फर्स्ट गियर में आप ये कह रहे ना ये कोई इशू नहीं। ये तो सारे गियर में ही शॉर्ट हो गया है स्पीड, सारे गियर में कैसे हो जाएगा शॉर्ट यार? आप पहले, मैं बता तो रहा हूँ, पहले गियर पे 47 जाती थी, अभी 44 जा रही है। नहीं नहीं, मैं आपको टॉप स्पीड बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे भाई ये आपका बनाया हुआ है। और आरपीएम भी तो इसका लॉक हुआ है, आरपीएम कोई लॉक नहीं होता, 10 से ऊपर जाता है आरपीएम, 10 से ऊपर, 10 से ऊपर, हाँ वीडियो है मेरे पास। वो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, नहीं आपकी प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं, जैसा जैसा, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, देख लेते हैं। लेकिन आप ये अगर ये मान के चले ना कि मतलब ये अगर 47 कहीं आप मेरे को लिख के दिखा दो भाई साहब, लिख के क्या, मैं चला के दिखा देता हूँ। नहीं आप मेरे को बजाज की तरफ से लिख के दिखाने, हम तो बजाज को मानेंगे। मैं बजाज मेरी कंपनी थोड़ी है सर, जो मैं दिखाऊंगा ना, जो बजाज हमको बताएगा हम आगे करेंगे ना। बजाज आपको क्यों देगा, सर्विस सेंटर हुआ आप तो करोगे ना, वैसे भी सर्विस सेंटर नहीं, थोड़ा सा कूल दिमाग से सोचो। मैं कूल दिमाग सर, एक महीने से एक एक कूल दिमाग से ही एक महीने से मैं इधर आ रहा हूँ। आप हो ना, नहीं आ रहा हूँ तो बताओ आप, कोई बात नहीं, पिछले 10 को सर्विस हुई थी। फर्स्ट गियर में 47 बेवकूफी है भाई साहब। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे वो मेरी बेवकूफी है, मेरा तेल जा रहा है, मेरी गाड़ी में दिक्कत हो रही है। अगर आप बजाज की तरफ से कोई अगर आपको रिकमेंड करता है कि नहीं हाँ जी फर्स्ट, और वैसे भी तो मैंने आपको बताया इसकी टॉप स्पीड 151 है, मैंने वीडियो दिखाई आपको 151 वाली, तो अभी तो 130 से ऊपर जा ही नहीं रही फिर। अरे 130 आप कौन सी रोड में भगाते हैं? मैं किसी में भी भगाऊं लेकिन 130 से तो ऊपर नहीं जा रही। हल्द्वानी के अंदर कोई ऐसी मार्केट हो या कहीं ऐसी रोड हो आप बताओ, रुद्रपुर वाली रोड पे चले जाओ हाईवे पे, नहीं तो हमारे टनकपुर वाले हाईवे पे आ जाओ, वहाँ पे भी पूरा है, वहाँ पे भी भगाते हैं। खैर चलो ठीक है, नहीं टनकपुर तो घर है, पूछ लीजिए। हाँ तो ठीक है ना यार, ये फंस गया। तो वो कह रहा हूँ ना मैं, ये आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब गाड़ी की, ये गाड़ी भगाने के लिए बनी है, इसकी टॉप स्पीड 151 है। वो नॉर्मली चले जाती है, वो नॉर्मली 100 से ऊपर जाती है, वही तो कह रहा हूँ ना। अब टॉप स्पीड उसकी 151 है, अब वो 130 से ऊपर कर ही नहीं रही है, तो प्रॉब्लम तो है ना। चलो मिलते हैं फिर, चलो मिलते हैं भाई, तुम्हें भी ब्लॉग लेते हैं, चलो भाई मिलते हैं, ठीक है डोमिनार पे एक दिन। मैंने सेल्स टीम से भी बंदे को बोला है, मैनेजर को, एक बार उससे बता दे, जाऊँ? रोहित, ये बात है ना सर, आफत तो बहुत है, आफत हर किसी की है, हमारी थोड़ी है। आप कह रहे हैं पहले गियर में इंजन 47 दौड़ती थी, इससे जब चैन स्पॉकेट बदला आएगा, ठीक है, हाँ चैन स्पॉकेट बदलने के बाद गाड़ी 47 नहीं दौड़ रही है। 47 का सारे गियर शॉर्ट हो गया। मैं तुम्हें जब इसमें पुराना स्पॉकेट था ना तब की स्पीड बताता हूँ। 47 पहला गियर, 47 दूसरा, 65 तीसरा, 85 चौथा, 112 पाँचवा, 132 छठा, 150 डाली है मैंने, वीडियो है मेरे पास। उसके बाद अब जब ये चेन स्प्रॉकेट चेंज हुआ है, पहला गियर 44, दूसरा गियर 60, तीसरा 70, चौथा 82, पाँचवा 110
और छठे में 130 ख़त्म। अच्छा ओवरऑल स्पीड बहुत, एक ही गियर की कम होती है ना, मैं ये कहता कि चलो कोई बात नहीं एक गियर की हो गई है डाउन, बाकी तो होंगे ही, बाकी की भी कम हो गई है। और मेरे पास दोनों वीडियो, मेरे पास दोनों गाड़ियाँ हैं, BS4 भी है, BS6 भी है, दोनों गाड़ियाँ हैं मेरे पास, दोनों गाड़ियाँ हैं। BS6 अभी भी जा रही है और इसका एक दिक्कत है RPM 10 पे रुक रही है, इससे ऊपर RPM जाता है, इसकी भी वीडियो है मेरे पास, जब से चेंज स्प्रॉकेट बदला है तब से दिक्कत आ रही है। हाँ BS4 4-6 दोनों हैं हमारे पास। चेंज करने का स्पीड से देखो कोई मतलब नहीं होता। चलो ठीक है आपने ये कह दिया मैंने मान लिया, लेकिन फिर पुराना जो चेंज उसका रेशियो रहता है टीथ का 14:1:40 का टीथ का रेशियो रहता है, अगर उससे कम ज़्यादा हुआ तो तब घटती है, लेकिन वो बोल रहे हैं रेशियो सेम है, रेशियो सेम है। चेंज स्प्रॉकेट का क्या होता है, RS की चेन किसी और गाड़ी में, हाँ किसी और गाड़ी की, बल्कि BS4 का भी अलग अलग। लेकिन मैं आपको बताऊँ इससे पहले ही ना जब मेरा पुराना चेंज स्प्रॉकेट था उस पर दो जनों को बैठा के, मेरे पास वो भी वीडियो है, ये कैमरा लगा है ना, ये रिकॉर्ड होता है उस, वो भी वीडियो है, 140 गई है दो बंदे बैठा के, और अभी मैं सिंगल भगा रहा हूँ तो 130 135 ज़्यादा से ज़्यादा 133 जा रही है, घों 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 बस खत्म। और वैसे इसकी टॉप स्पीड 150 है, अगर आप लोग ये कह रहे हो ना कि ये 150 नहीं जाएगी अब पुरानी होगी, ये होगी आयुष वर्मा की बाइक है, कम से कम 6 या 7-8 साल पुरानी बाइक है, ठीक है, उसकी बाइक अभी भी 170 जाती है, 165-170 जाती है। और मेंटेनेंस की बात करोगे पंकज भाई से पूछ लो, सारी सर्विसें यहीं से हुई है, एक सर्विस बाहर से नहीं करवा रही है, और बल्कि वो रिकॉर्ड भी होता है। कल आओगे ना? कल नहीं, परसों सही है। अरे यार मैं आप प्लेटों का ही होता है, अब मैंने सबको प्रूफ दिखा दिया है तो आपको भी दिखाई देता हूँ, आपको दिखाने में क्या जा रहा है, सबको दिखा दो, एक और को दिखा दो। नहीं नहीं सर देख लो ना आप एक बार, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके मन में भी कोई शंका रहे, मेरे मन में तो शंका है ही है, ये वीडियो बनाई थी हमने, बल्कि क्लैरिटी हाई कर लेता हूँ ज़रा, क्योंकि ये तो मेरे पास प्रूफ है ना, तब